आज मैं जा रहा हूँ कराची से लेकर कोटरी तक। तो आज का ब्लॉग बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन डिपार्ट कर रही है। तो आज का नाश्ता हमारा होने वाला है टू डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस में, जिसमें है लच्छेदार पराठे और साथ में चने का सालन जबरदस्त सा, और चाय तो नहीं मिली थी सुबह सुबह तो कोल्ड ड्रिंक इंतजाम करे। और अभी मलीर रिवर से हम पास हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पाकिस्तान की फेमस कर लीजिए एक मीठे पानी की झील है जहाँ से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है आई थिंक। और हम ट्रेन तकरीबन 6 मिनट अर्ली कोटरी जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो चुकी है। तो आज का नाश्ता हमारा होने वाला है टू डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस में, जिसमें है लच्छेदार पराठे और साथ में चने का सालन ज़बरदस्त सा, और चाय तो नहीं मिली थी सुबह सुबह तो कोल्ड ड्रिंक इंतजाम करे। अस्सलामुअलैकुम, एक और ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, और आप देख रहे होंगे ट्रेन में बैठा हूँ। तो ये ट्रेन है 11 हज़ार एक्सप्रेस, और जो जिसमें मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, और आज मैं जा रहा हूँ कराची से लेकर कोटरी तक। तो आज का ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये ट्रेन है कराची से हवेलियाँ दरमियान चलती है, एक वाई ट्रेन है जो कि हवेलियाँ जाती है कराची से, और उसमें मैं आज जाऊँगा कराची से कोटरी तक। और दरियाए सिंध की हो सका सैर कराऊँगा आपको। और थोड़ी देर हो गई थी कराची कैंट पर आने में, सुबह सुबह मुश्किल हुआ था आना। और तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन डिपार्ट कर रही है। सुबह सुबह का मंजर है कराची कैंट रेलवे स्टेशन का, ट्रेन ने अपने टाइम पर डिपार्चर विसर देने के बाद डिपार्ट कर रही है कैंट स्टेशन से। और आज हम लास्ट कोच में सवार हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो चले आपसे आगे मिलते हूँ। कराची कैंट से चलने वाला ट्रेन ने हमारी डिगरोड जंक्शन पर स्टॉप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लास्ट डिब्बे का ये नुकसान भी होता है, प्लेटफॉर्म ही नहीं आता किसी भी स्टेशन में। सामने आपको डिगरोड जंक्शन का प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है। तो चले आगे मिलता हूँ आपसे। और अभी मलीर रिवर से हम पास हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, और पीछे ही कोच हिलाती बहुत है। तो आज का सफ़र बड़ा हिला देने वाला हुआ, और ट्रेन स्लो पास हो रही बिन कासिम रेलवे स्टेशन से। और ये हमारे कज़न भाई हाथ हिला रहे हैं सबको। बिन कासिम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और ट्रेन धाबीजी रेलवे स्टेशन से अच्छी स्पीड से पास हो रही है, फुल हिला देने वाला सफ़र हो रहा है आज। ये धाबीजी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, वाह ज़बरदस्त स्पीड, 90+ स्पीड से पास हुई है। और तकरीबन 10 बज रहे हैं, और हमारी अभी लेबिना बाजार एक्सप्रेस करली झील के पास भी पास हो रही है। वो दिखा देता हूँ आपको, पाकिस्तान की फेमस करली झील, एक मीठे पानी की झील है जहाँ से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है आई थिंक। तो सामने आप देख सकते हैं ये साफ़ सुथरा पानी करली झील, यहाँ भी कभी आऊँगा मैं ट्रेन में तो आपको दिखाएंगे। और कुछ ही देर में छिमपीर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन पास होगी, साफ़ सुथरा पानी, चेक करें आप। एक करली झील का बैक पॉइंट बैक साइड है, और ये छिमपीर रेलवे स्टेशन, चले अब आपसे आगे मिलता हूँ। और यहाँ एक कंटेनर ट्रेन भी खड़ी हुई है GU40 लोकोमोटिव के साथ, जा रही है, चली गई। और कुछ ही देर में हम कोटरी जंक्शन पहुँचने लगे हैं, बुलारी रेलवे स्टेशन निकल चुका है, और साथ ही साथ मैं वीडियो नहीं बना सका, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को क्रॉस भी हो चुका है। और हम
ट्रेन तकरीबन 6 मिनट अर्ली कोटरी जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो चुकी है और पीछे आप देख सकते हैं लाइट अगर दिख रही हो, मुझे दिख रही है HGMU-30 की, जो कि है 151 अफशान लतीफ एक्सप्रेस, और इसको क्रॉस मार दिया था हमारी ट्रेन ने भुलारी रेलवे स्टेशन पर और कोटरी जंक्शन पहुंच रहे हैं। और सामने हमें दिख रहा है HGMU एक और लोकोमोटिव, ये आ गया कोटरी जंक्शन। और हम लास्ट कोच में सवार हैं तो बस यहीं हमारी ट्रेन रुक जाएगी। और इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है, पूरी ट्रेन देखें आ गई है। और सामने ये कोटरी जंक्शन का फ्रेट ट्रेन का यार्ड है, तो चलें उतरते हैं कोटरी पर। यह कोटरी जंक्शन पर मैं उतर गया हूँ और कुछ शॉर्ट सा व्यू है कोटरी का, हरे भरे दरख्त लगे हैं बड़े बड़े। तो आज का मेरा ये ट्रैवल व्लॉग था जिसमें आपने देखा कराची डिग्रो कराची कैंट से लेकर मैं कोटरी आया, वो भी एक 11 हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि कराची और हवेलियाँ की एक वाहिद ट्रेन है, हवेलियाँ जाती है, और मैं कोटरी उतर गया हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेरा व्लॉग का पार्ट वन था और पार्ट टू इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पार्ट टू तो इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम जाने लगे हैं अब शायद दरियाए सेन, अगर नहीं गए तो फिर कुछ अच्छा ही व्लॉग में लाएंगे। तो ज़रूर लाइक करिएगा चैनल पर, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। वापस मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।